मामला रुद्रप्रयाग से है, जहां पर यातायात व्यवस्थाओं को सुरक्षित बनाने और आम जनमानस को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के उद्देश्य को लेकर यातायात पुलिस तहसील प्रशासन ने जिला पंचायत की टीम ने जबाड़ी बाईपास पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि रुद्रप्रयाग में महिला अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग अभियान चलाकर लोगों से सड़क नियमों का पालन कराने और बाइक सवारी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने, नाबालिग बच्चों को गाड़ी न देने की भी अपील की। चेकिंग के दौरान सीओ यातायात हर्षवर्धनी सुमन, एसटीएम अपर्णा ने वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए नियमानुसार चालान भी काटे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने वाहन चलाने वालों और सभी अभिभावकों से निवेदन करते हुए कहा है कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ प्रशासन का भी सहयोग करें, तभी व्यवस्थाओं में सुधार होगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जैसे कि हम सभी को पता है कि यात्रा भी आने वाली है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जो रोड एक इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन हमारी रोड है और लोग कंटिन्यूसली नियमों का पालन करें, इसके लिए हम समय समय पे इन्फोर्समेंट कार्यक्रम चलाते रहते हैं। तो उसी की तरह आज हमने एक जॉइंट चेकिंग का कार्यक्रम चलाया है पुलिस के साथ, जिसकी वजह से हम लोग सारे नियम पालन कर रहे हैं, कागज चेक कर रहे हैं कि गाड़ियों में, ये हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरी जो महिला जो हमारी शक्ति है, आज उनके द्वारा यहाँ पे चेकिंग हो रही है। ये हमारा रूटीन का काम है, हमें सड़क सुरक्षा के अंतर्गत रूटीन चेकिंग करना होता है, जिसमें जॉइंट चेकिंग हम लोग करते हैं। तो वही आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट साथ में चेकिंग कर रहा है और यातायात की जो नियम है उसको लोग पालन करें, इसके लिए हम ये चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अब केदारनाथ यात्रा भी आ रही है, तो हम चाहते एक हैबिट हो जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट में सभी को कि अपने जो नियम होते हैं यातायात नियम, उनका पालन करें। और एक इस जनपद की बेटी या बहू समझो या माता के रूप में, अगर मैं इस जनपद में प्रथम नागरिक के रूप में हूँ, तो मेरा संदेश ये है अपने जनपद वासियों से, निवेदन करूँगी कि आप लोग कृपया छोटे बच्चों को गाड़ियाँ ना दें, क्योंकि जो हमारे दिन प्रतिदिन बच्चों में जो ये गाड़ियों की लत लग गई है, थोड़ा इस लत में लत ही कहूँगी, क्योंकि हम लोग खुद बच्चों को गाड़ियाँ दे रहे हैं और बच्चे एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि गाड़ियाँ छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना दें, जो सरकार के नियम हैं उनको फॉलो करें। तो इसी के तहत हम आज आए हैं कि कुछ एक नया संदेश चला जाए कि जनपद में जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं और हमारे जनपद के जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी अभिभावक हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल भी छोटे बच्चों को गाड़ियाँ ना दें।